यही तेरी गदा बन जाएगा। मेरा शाही, मेरा शाही।
दाई गौरशाही गौरशाही वीर नबी का सच्चा दाई गौरशाही गौरशाही। आपको बेहद मजबूरी सिर्फ जिंदा रहने के लिए कलमा पढ़ना शुरू कर देगा। कलमे के अवसर से मोर ताला कुत्ता था उसकी शक्ल सफेद कुत्ते की तरह हो जाएगी। फिर वो जिंदा रहने के लिए कलमा पढ़ता रहेगा। कलमे के अवसर से उसकी शक्ल सुबैद की तरह हो जाएगी। फिर कलमे के अवसर से उसकी शक्ल बकरे की तरह हो जाएगी। फिर वो कलमा पढ़ता रहेगा कलमे के नूर से उसकी शक्ल तुम्हारी तरह हो जाएगी। जब तुम्हारी तरह हो जाएगी फिर उसको पकड़ कर हजूर पाक की मैं बनना चाहिए। हजूर पाक और आदि ऐसे कर लेंगे आफरीन है इसके ऊपर और इस पर मुझे कुत्ते को पार किया इंसान बनाया और मैं बनना चाहिए। उस वक्त उसको कुछ मरतबा एहसास हो जाएगा। अब वो इंसान नकली नहीं ले रहा था, अब वो असली इंसान। अब वो जब नकली था तो उसके लिए सब कुछ नकली था। नकलियों के लिए भी अल्लाह ताला ने बनाना है, असलियों के लिए बनाना हो गया। नकलियों के लिए नकली कुरान बनाया, नकली काबा बनाया। अब ये नकली कुरान क्या है? ये जो तुम कुरान पढ़ रहे हो ये तो प्रेस से निकला है, कागज पे छुपाया, तो फिर ये असली क्यों हुआ? ये नकलियों के लिए है। असली कुरान हजूर पाक सीने में, जब वो सीना मनोज हो जाता है, पाक हो जाता है, फिर वो उस असली कुरान के काफिल होता है। बेशक सभी सुल्तान को रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, बस अल्लाह से अल्लाह अल्लाह करता रहा, अल्लाह वासी के सीना मनोज। जब सीना मनोज हो गया तो मुझे हजूर पाक की महफिल नसीब होने शुरू हो गई। वहां कभी जाता हदीस की बातें हो रही होती, कभी जाता हजूर शरीफ पढ़े होते, कभी जाता कभी अल्लाह हो रहा था। एक बार गया वहां कुरान भी पढ़े थे लोग, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं तो कुरान भी पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ा होता मैं भी पढ़ता, हजूर पाक ने देखा रंगीन है, बनाए चलाओ क्या बात है। मैंने कहा यह परेशानी है, तो माना जा रही है वो सीने से सीना बनाया, तो माचे में खुद मुख दिया रहेंगे। जिस तरह इस कुरान मजीद के लिए सफेद कागज चाहिए, इसी तरह उसके लिए सफेद दिल। और उसके बाद ये तुम्हारा कुरान मजीद, जिसको दूसरी तुम्हारी नमाजें, तो तुम्हारी नमाजें भी असली को नहीं है। तुम्हारी नमाजें भी हम मस्जिद से बाहर जाती को नहीं है। नमाजें को बैतुल मामूर पर पहुंचती है। जब तुम्हारा दिल अल्लाह मकबूलेगा, अभी तुम्हारी जबाने हैं, जब तुम्हारा दिल अल्लाह मकबूलेगा तो यहाँ मिलेगा अर्श मौला को। तुम्हारी नमाजों को ये दिल अर्श मौला में पहुंच जाएगा, वो नमाज असली है, ये नमाज सूरत है, ये असली की ये नकल। और यकीन करो तुम्हारा काबा असली वो भी बोलिए, ये तो नकली को ही खाना काबा है, वो असली बोलिए तो बैतुल मामूर है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो बैतुल मामूर दिखाया और कहा कि इस किस्म का खाना काबा दुनिया में बनाना, ताकि वहां नकली तो रहेंगे। जब कोई असली खाने काबे में पहुंच जाता है तो क्या मजा है उस खाने काबे को पुस्तक वापस। जब हमें बदली अहमदुल्ला के दिल में खाने काबा आया, उस खाने काबे को हुक्म हुआ क्या जा रहा पुस्तक वापस, और तुझे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया और इसको अल्लाह ने जरूर अब वो जिक्र करती है कि सबसे पहले तुम्हारी सुनत है हजूर पाक गाने गाने क्या कर नमाज ठीक बोली हर वो जिक्र नहीं कर रहे थे। जब लोग मुसलमान होते तो नमाज वो सब ठीक बोली थी, वो तुम क्या करते हर वो जिक्र नहीं करते। जब जिक्र नहीं थी उनके सीने मनोबर हो गए तो फिर वो नमाजें उतनी कई साल बाद उतनी सुबह में राज में होती, फिर जब नमाजें उतनी आंखों में नहीं रहती सीधी सीधी।
कई साल बाद उतनी सुबह नाराज मौत ये तो नमाज है उतनी आंखों में नहीं रखी तीर जी वो नमाज है बेशक ये तुम्हारा पहला रुकन भी है तुम्हारे पांच रुकन है पहला रुकन कर्मा तैयब कर्मा तैयब जिक्र है अफजल जिक्र कर्मा तैयब और जिक्र के लिए हुक्म उठते बैठते रहते लेते मेरा जिक्र ये तुम्हारे कुरान में इसका पैदा हो भी है अल्लाह नाम भी तुम कहते हो उनके मतलब क्या आगे करो वो आगे क्या है तो फिर तेरे ख्याल से पूछो तू क्या और पहले से पूछो ना डर के लेना वो अल्लाह से ऐसा रहते हैं अगर इसकी जिलालत से डरता है तो नाम से ला इलाह अगर इसकी तो ठीक नहीं है तो नूर से मोहम्मद रसूल से पा रहा है किसी से पा देगा वरना फिर आगे किताब में उलझा है कोई खबर नहीं किताब तुझे गुमराह भी कर सकती है और ऐसे किताब वाले गुमराह भी होंगे सारे फिक्र वाले किताबें पढ़ते हैं आलोक नाम में नूर की हदायत है और नूर की हदायत वाला गुमराह भी हो अब राष्ट्रवाद कुरान मरीज फरमाता है उठते बैठते हफ्ता करते लेते मेरा जिक्र क्या इस रात को लोगों ने ढूंढने की कोशिश करी कुछ ने कहा उठो ये आयत पढ़ लो बैठो ये आयत पढ़ लो सोने लगो ये आयत पढ़ लो उन्होंने सिर्फ एक दफा किया लेकिन वो मकाम आ कुरान मरीज में कि फिर जो फ्रोज मन से डाल देना उन्होंने फिर क्या किया अगर खरीदने लगो ये आयत पढ़ो फ्रोज करने लगो ये आयत पढ़ो नहीं ये एक डलावा था उसके लिए है कि खरीदो फ्रोज मन भी अल्लाह का कर उठते बैठते करते रहते नींद की हालत में भी अल्लाह का कर तो फिर वो रात कौन सा था बड़ी मुश्किल से एक तबका इस हाल में पहुंचा कि ये फिर जब सांस का जिक्र करेंगे तो सांस हारा होता रहता है सांस आरोप करता रहता है सोते में भी चलता रहता है उन्होंने सांस के जिक्र को तरजीह दी अपना लिया लेकिन सांस का जिक्र भी फिर वो भी सवाई कर सका दिन तक वो भी बोल उधर अल्लाह करता रहूंगा तू आम बंदा है 5,000 का वजह जिक्र कर आलम है 25,000 का वो जिक्र कर दरवेश है 72,000 का वजह जिक्र कर अगर मेरा आशिक मैं तेरा आशिक सवा लफ दबा देगा तेरा शाही मजबूर हो गए सांस से हम जिक्र 24 घंटे करते हैं 24 घंटे में 24,000 फ्रॉम आते हैं ये सवा लाख कैसे होगा ये 75,000 कैसे होगा इसके लिए हमें दुनिया छोड़नी पड़ेगी और हमने देखा एक आदमी सिर्फ 2 घंटे सोता 22 घंटे जब तक आता तब वो 72,000 का मामला पूरा करता वहां आशकों के लिए 1,000,000 जमा होता तो फिर वो एक रास वो रास किसी को तो आसानी से मिल गया घर बैठे बिठाए मिल गया तो किसी को बीवी बच्चे छोड़ वो रात क्या था वो एक तस्वीर थी वो जो तुम्हारे अंदर चल रही है टिक 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 उन्होंने उस टिक टिक के साथ अल्लाह का मनाया वो 1 घंटे में 3600 दफा ये जो सेकंड की स्लीप बनी है ना ये उसके हिसाब से बनी है वो 1 घंटे में 3600 दफा उसने अल्लाह का करा जिक्र से उसकी हालत और तेज होगी 1 घंटे में 6,000 दफा अल्लाह का किया 24 घंटे में 1,25,000 जब 1,25,000 से भी बढ़ गया जब पता मक्का हुई असाबा क्राम के दिन 1,25,000 तक पहुंच चुके थे उस समय वो आए उतरी तो मैंने तुम्हारा ये मेरे पिछले गुना माफ कर दिए वो उड़ गए वो आए हर जमाने के लिए आज ये मेरे किसी का दिल था अल्लाह का कसम है अल्लाह कसम अल्लाह ताला उनके मस्त मलंग रहेंगे तेरे संग रहेंगे शैतान सबका संग रहेंगे तेरे संग रहेंगे अब जब वो अल्लाह अल्लाह अब लोग रूहानी को ढूंढते हैं कुरान में ढूंढते हैं कुरान में रूहानियत नहीं है हदीसों में ढूंढते हैं कुरान में नहीं है
कहाँ जाए फिर वो हजूर पाक स्नीर मुबारक वो सीना बाय सीना बाय सीना वो मुस्लिम लोगों को दी देती है। जब वो अल्लाह अल्लाह इस दिल में गूंजना शुरू हो जाता है वो उस टिकटे का तलब नसों से है, वो अल्लाह अल्लाह का नूर नसों में चला जाता है। कैसे जाता है? इस तरह बार बार आपस में टकराते हैं तो खुद भी बनती है, अल्लाह अल्लाह आपस में टकराता है तो नूर बनता है। आप सीने हाँ अल्लाह अल्लाह टकरा रहा है, अल्लाह अल्लाह का नूर रस रस में गया, पूरे खून में चला गया। जब पूरे खून में चला गया तो सबसे वही अल्लाह फरमाते हैं तू ही दफा अल्लाह करेगा तो साढ़े तीन करोड़ अल्लाह अल्लाह करने का। कैसे मिलेगा कि तेरे अंदर साढ़े तीन करोड़ नशे हैं, दिल ही दफा अल्लाह करी साढ़े तीन करोड़ नशे भूल होते हैं। बहुत सामने फरमाया डॉक्टर और स्वामी का अगर किसी का दिल का मामला करे तो ये जो मसान है जहां से पसीना आता है ये बहत्तर हजार होते हैं। दिल लेकर बाहर करी बहत्तर हजार आवाज है यहाँ से। मुझे लंदन में एक डॉक्टर मिला, वही डॉक्टर था कह रहा है बाहर है इसी आगे क्या है, ये जो इंसान के अंदर रेड जेम्स होते हैं वो भी अल्लाह का करने शुरू कर देते हैं, वो खबरों के हिसाब से होते हैं। जब वो नूर नस नस में जाता है वो जो मखलूकें जिनका जिक्र किया है वो तुम्हारी खत्म है, वो उन मखलूकों तक पहुंचता है, वो मखलूकें बेदार हो जाती है फिर वो अल्लाह का करना शुरू कर देते हैं। जब वो अल्लाह का करना शुरू कर देते हैं तो फिर किसी कहा यही मस्जिद यही काबा यही मस्जिद यही काबा यही तेरा शाही मेरा शाही दुनिया पर है किसकी शाही अल्लाह अल्लाह के नूर से उनकी परवरिश होने शुरू हो जाती है। उसको कहना मखलूक के हैं साइंस कहती है हवा से हमसा है, वो हवा से हमसा क्या कुछ तो होगा ना, वो मखलूक के हैं इस तरह जिन फरिश्ते हैं इस तरह ये मखलूक के हैं बताया। ये सिर्फ अंदर स्टोर है जब इन्होंने अल्लाह का करना शुरू कर दी फिर ये अंदर बारह होने शुरू हो जाती है। जब ये बारह हो जाती है बारह साल लगते हैं उन्होंने सोचा था कि हजूर पाक क्या कर रहे हैं, उन्होंने सोचा वो इस सीने से निकली हजूर पाक के कदमों में अल्लाह उस वक्त बुल्ले शाह ने समझाया जो कि पंग मेरे आशिक लोग मसीह थी आशिक शर्मा जो लोग पांच मिनट को याद करते हैं उनकी इंतहा मस्जिद का पांच नमाज हो रहे हैं और क्या कहेंगे, जो इसके साथ हर वक्त अल्लाह अल्लाह भी करते हैं वो तो हजूर पाक के कदमों में पहुंच गए, कदमों में पहुंच गए नमाजें अब तुमने सोचा था कि ऊपर क्या हो रहा है, तुमने सोचा ये ऊपर प्रवास का नहीं फरिश्तों ने रोका नहीं कहने लगे जो कुछ भी है बैतुल मामूद से आगे चल जाएगा यहाँ पहुंची जहाँ रब की उस फरिश्ते कहते हैं वाकई इंसान अशरफ मखलूक का हाथ है, हम तो वहां नहीं पहुंच सकते वहां से जो कर आ गए। इसके बाद क्या हुआ तो तुम मर गए, मरना तो सबको है जी, हमारा अकीदा है कि मरने के बाद हाँ वली है नबी है सब कोई बोले कहा है सब की उन्हें अखबारों पर चली जाती है ये हमारा अकीदा है। तो फिर दरबारों में तुम अगर साथी ऊपर चली गई तो फिर दरबारों में क्या है, ये जो अजाफी मखलों के थी ये बड़ी बड़ी के दरबार में बैठ गए नमाज पढ़ते हैं लोगों को फर्ज चुकाते अल्लाह करते हैं और चारों तक इनका सलाब इन रूहों का सलाब उनकी रूह मकामी को मिलता है। तेरा शाही मेरा शाही 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 मुस्तफा के मिशन का दाई शाही और भारत की एक वक्त में नौ आदमी दौर पड़ाई नौ भी घर चले खाने भाया जिसम तो नौ नहीं बने आपका जिसम मुबारक मस्जिद में मुअज्जिन के पास था और जिसम के अंदर भी ना घुरुगे वो तो जाके खाना खा रहे थे। अगर खाना खाया होगा तो उठी भी होंगी बैठी भी होंगी बातें भी करी होंगी और जिसम में उठने बैठने बातों की ताकत है नमाज में यही कुछ है तो नमाज में यही कुछ है ना हो सकता है उनकी नमाज खाना खत्म हो गई वो कहते हैं कि
कर्म के बाद खाना खत्म होती है। वो लोग कहते हैं कि दरवेश की नमाज अच्छी मौजूद होती है, कहते हैं ना हमारे मौलवी बड़े फिरते हैं। मैं तो दीवार से ऊपर ही जाती तो ये चीज मतलब मैं कैसे पहुंच गया। मुझे जिसम अच्छे मौला नहीं जाता है और जिसम के अंदर की चीज कैसे तो साथ जिसको मिलता है इसलिए है कि तुम्हारे अंदर साथ नकारक है, नौ उनके खलीफे हैं, सोलह मखलूक के इस घाटे में बंद है। अगर तुम उनमें से एक मखलूक को भी जगा दो तो यकीन करो तो तुम मर के भी जिंदा हो। अगर तुमने उनको नहीं खेला तो 40 साल के बाद वो खत्म होने शुरू हो जाती है, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में खत्म हो जाए कि तुम जिंदगी नहीं बोल रहे। बनकर मस्त मलंग रहेंगे, तेरे संग रहेंगे, कैसा हमसे दंग रहेंगे, तेरे संग रहेंगे। एक आदमी ने मजदूर साहब को कहा, मैंने आपको आसमान में खाने का अवसर देखा और मैंने लगे मैं नहीं गया। दूसरे ने कहा उसी दिन हजूर पार्क के रोजे पे देखा और मैंने लगे मैं नहीं गया। तीसरे ने कहा उसी दिन रोज पार्क के रोजे पे देखा और मैंने लगे मैं गया नहीं। लोगों ने पूछा फिर क्या था, फरमाने लगे मेरा अंदर। जितने भी यहाँ बैठे हैं सबके अंदर वो मखलूक मौजूद है, लेकिन रिश्ता वाले फरमाते हैं नमाज रोजा कम सुखो और अंदर कुछ दूर हो। नमाज रोजा कम चंगा है लेकिन वो अंदर कुछ दूर है। ये जिसम खाने काफी तक जा सकता है अल्लाह का मुझे दिखाओ नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो तुम्हारे अंदर मखलूक है उनको अगर तुम परिश करो तो वो अल्लाह की बात है। इनके बगैर ये दो इलम है, दीन इस्लाम को दो पर है, एक पर से जिंदा नहीं हो सकता। ये दो पर है, एक ग्रह है, एक बातें है, तुम एक पर से उन्हें की कोशिश करो। अब जो लोग नमाज पढ़ने वाले हैं मस्जिदों तक ही महदूद है ना, 40-50 साल वाले नमाजी हैं, आगे कुछ नहीं हो सके ना, उनको शैतान कहता है उन्हें नमाज पढ़ ली क्या है, ये भी जिक्र है, उनको वही मस्जिद का चक्कर लगा रहा है और वो लोग जिक्र करने वाले उनको भी अपने जिलों में देगा, उनको शैतान कहता है उन्हें अल्लाह ने बड़ी कभी कंडी करता है नमाज में क्या है। उन्हें कुछ दिन की सुनवाई होगी फिर मतबा होगी पा सकते, मतबा उन लोगों ने पाया जिन्होंने जबानों को भी अपनाया दिलों को भी अपनाया, जिन्होंने जबानों से भी नमाजें पढ़ी दिलों से भी अल्लाह करी उन्हें लोगों ने मतबा पाया। बनकर मस्त मलंग रहेंगे, तेरे संग रहेंगे, सितम सहेंगे, तेरे संग रहेंगे, मेरा माही मेरा माही शाही कभी सीन में है आप कहते हैं कि मैं दिल से नमाज पढ़ता हूँ, सारे कहते हैं मैं दिल से नमाज पढ़ता हूँ, गर्मी में भी जाता हूँ, बारिश में भी मस्जिद में जाता हूँ, दिल से नहीं पढ़ता क्या यही मुहा था। भाई तुमने देखा होगा तुम्हारा कोई दोस्त अजीज 20-25 साल तुम्हारे साथ नमाजें पढ़ता रहा, वो भी तुम्हारी तरह मस्जिद में जाता था गर्मी सर्दी में, अचानक पता चला वो घर में गलत हो गया है ना, ऐसे बिल्कुल अब तुम उसकी नमाज भी कबूल होती तो घर में गलत क्यों होता, इसकी मतलब है उसने अब कई नमाजों में नदी कर दी तो उसकी नमाजें कबूल नहीं होती, तुम्हारी नमाजों का क्या एतबार है। ये नमाज सूरत है, अगर भी साहब फरमाते हैं हर आदमी की नमाज सूरत आसान हो रही है नमाज हकीकत, फरमाते हैं हर आदमी को चाहिए कि नमाज हकीकत की तलाश करे। वो हुजूर पाक ने फरमाया इलम हासिल करो तुम्हें चीन तक छोड़े जाना पड़े, वो इस इलम के लिए नहीं है, ये मस्जिद में जो मौलवी साहब नमाज सिखा रहे हैं ये तो हर घर हर गाँव में मस्जिद में मौजूद है, मौलवी साहब मौजूद है नहीं, वो जो दिल वाला इलम था चीन तक जाना पड़ता है वो हर मोहल्ले में नहीं है। उसके लिए ये नमाज सूरत क्या है, नमाज सूरत तक है, नमाज सूरत दिखावा है, नमाज सूरत तो भाई है,
उसको तुम पढ़ रहे हो तो भाई है वहाँ तो ये खुद लाता है नमाजों के लिए तो भाई है कि नमाज नमाज तो भाई कहते हैं लोगों ने कहा बहुत वक्त नमाजों में दिल में तकबर आया ना बिल्कुल और दूसरे ही कहा तहज भी पढ़ता है और तकबर आया तो तकबर निकालना और इन्हें सीखे नहीं है और इतने सौंपने में तकबर को निकालता है वो उसे सीखे नहीं है जब तक खबर आया एक दिन देर नमाजी को देखा बड़े अहकार से देखा कि मैं कुछ बेहतर हूँ ये नहीं पता कि तकबर के साथ दिन रात बार तक नमाज में पूरी करता बिल्कुल अगर उसको शैतान बनाया तो तकबर ने बनाया ना बेशक अब ये एक सुपाही की है पता नहीं किस तरह क्या क्या सारी मुद्रा बनाओ बोलना कोई नहीं कोई सुरुख छोड़ता नहीं है तो झूठ पालों में क्या फायदा और तुम मेरे भाई भी कराए जब यहाँ तक पहुंचा तो तेरी मार ही चला गया तुम्हें मार ने सदा ही जब पुस्ता बन गया झूठ पाल का तो उसका ईमान ही चला गया उसे तो देर तक देना मालूम था आज तो खाना के साथ सुनूंगा ये नमाज सूरत है और ये नमाज के खाना की है दिखावा करते हैं अल्लाह ताला ने अमीर पाक को फरमाया तुम ओ बल्लो अक्सर कह दीजिए अल्लाह एक है आपने अमीन कहा अमीर पाक ने लोगों का कह दो अल्लाह एक है जिन्होंने अमीन कहा मुसलमान जिन्होंने नहीं माना काफिर जिन्होंने ये और इसे माना अब मुसलमान किसको कहते हैं कह दिए अल्लाह एक है वो अपने दिल को कहते हैं कह दिए अल्लाह एक है दिल जवाब देता है घर में आतंक को कहते हैं ये कहता है अल्लाह सुबह अल्लाह बेमान है ये कहता है घी बीमार है बिल्कुल सही बात अल्लाह नहीं होते जो अल्लाह नहीं होता ये कहता है क्योंकि लेट हो गए जो जुबान में और वो दिल में वो सादिक है जुबान में और दिल में और वो मुनाफिक सांपों की जुबान ही खराब नहीं करती मुनाफों के दिल गलती नहीं करते और सांपों के दिल नहीं करते तो कहो तुम्हारा दिल को मुनाफिक वो बड़े विष्णु खुदू से नमाज पढ़ता है वो कहते हैं बड़ी देर से लगा हुआ है अल्लाह ताला फरमाता नहीं मैं अमरों को देखता हूँ मैं खुदों को देखता हूँ मैं इसकी गाड़ी को देखता हूँ मैं इसके बेटे को देखता हूँ मैं इसके कलम और नीयत को देखता जिसको दुनिया देखती है उसमें वो शहर है जिसको अल्लाह देखता है उसमें कारोबार है नमाज दिखा है शाही मेरा शाही गौर शाही गौर शाही खोल दिए इसरार इलाही गौर शाही गौर शाही ये नमाज सूरत है और जो सदर सारी उम्र इसका पूरी पूछेगा पूछते उसने तो जाता है तो जाता ही उसे क्या पूछेंगे पूछेंगे नमाज अभी तक का पूछेंगे लोग तो समझती है नमाज सूरत का पूरी पूछेगा अब वो नमाज दिक्कत क्या है उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सीखनी होगी एक अभी भी में है तो कुछ लोग कौन करते हैं कौन मंदिर को नमाज करता है अभी भी में वो जिनके नफ अमारे हैं जिनके अंदर कुत्ते हैं आज कल बच्चे को देखते नहीं पार्क है या ना पार्क है नफ इसके क्या है बस अच्छे में दाखिल कर देते हैं नफ से पहले कौन भी तो आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है तो कुछ लोग कुरान लिख पढ़ते हैं कुरान उनको पढ़ना मजद सब नमाते हैं मुफ्ती को चाहिए कि पहले जिनके अंदर करे पहले अपने नफ को पार करे जब नफ पार हो जाए फिर कुरान पढ़े उस एक नामा फुक्रिया सौ साल की बात उस कुरान उसके अंदर उतरेगा आपको कुरान अंदर नहीं उतर आपको कुरान ब्रह्मांड में आपको उतरी है मेरा शाही मेरा शाही गौर शाही गौर शाही मुस्तफा के मिशन का दाई गौर शाही गौर शाही जब खुल्ला ना सीखोगे अल्लाह अल्लाह कोशिश करोगे काम काज करता रहूं अल्लाह अल्लाह उसी है इसको बोलते हैं दस साल में जुट गया फिर कोशिश करोगे हमारे सारा पढ़ कर हम अल्लाह अल्लाह होती है कामयाबी हो जाएगी फिर कोशिश करोगे नमाज पढ़ कर रहूं और अल्लाह अल्लाह होती है उस वक्त नमाज कहेगी कह भी अल्लाह एक है ये कहेगा अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह उस्मद ये कहेगा अल्लाह अल्लाह जाने अली जवाबान ये कहेगा अल्लाह अल्लाह अब जो जुबान में वो दिल में इसको
اقرار بالاسلام رسولی کے ذریعے زبان کا کمال ہے, امریکہ سے بولتے ہیں یہاں بولتے ہو, دکھ کمال ہے یہاں بولتا ہے اشرف مولا والا, تمہاری اس نماز کو یہ کہ اشرف مولا نہ سوچائے گا, وہ نماز مومن کا پہلا ہے, یہ مومن کی نماز ہے, ولی کی نماز نہیں ہے, ولی کی نماز تو نور ہے, ولی کی نماز کیا ہے, مومن جسم تک ہے, مسلمان جسم تک ہے, ولی جسم سے آتے جسم ایک ولی آر ایک ولی مارف آرف کو اپنے جسم کے اوپر تبدیلی پڑتی ہے اس کا جسم ولی بن جاتا ہے, اس کے جسم میں نور پار کی محفل میں جا سکتا ہے تو وہ جسم سے ولی ہو گیا, وہ جو معروف ہے اس کی کسی روح کے اوپر تبدیلی پڑتی ہے اس کی روح ولی ہو جاتی ہے, وہ اس روح ہمیں نور پار کی محفل میں جا سکتا ہے, معروف دیکھتا ہے کتنا کچھ چیز ہے اس جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھا ہے, کتنا کچھ نصیب ہے, کتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں, آرپو سے آپ کسی بات کریں گے نظر نہیں آ رہا, میں اس شخص سے بات کر رہا ہوں جس کی روح میرے پاس اور جسم اس آر کے اندر کتنا کچھ نصیب ہے, دنیا میں بھی بیٹھا ہے اور ادھر یہاں بھی بیٹھا ہے, اس کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے, عارف کو ولی ناسوتی بولتے ہیں, عارف کو ولی کامل بولتے ہیں, وہ صرف ولی ہے ولی کامل, نماز کا وقت آتا ہے حکم ہوتا ہے, یہ جو جسم والے ہیں یہ جسم والوں کے ساتھ نماز پڑھے, اس مارو کی روح کے ذریعے حضور پاک کے پیچھے نماز ہوتا, اسی جسم کا ایک مارو مجلسہ سے ٹکرا گیا, آپ مسجد میں گئے بیٹا ایک آدمی سو رہا ہے, پھر آپ اصل جگہ دے دے گا سو رہا ہے, مگر پھر نماز ہو یہ سو رہا ہے, آپ ذرا جہاز میں آ گئے اس کو جگایا, اٹھ ذرا نماز پڑھی میں سے نکلا, وہ کون ہوگا شروع تو کیا مگر کی جماعت شروع ہونے والے تھے, امام صاحب ذرا کھڑا گیا اس کا دور کا سنت وقت ہے, دیکھتے قسم ہو گیا, پھر اس نے حضور کی نماز پڑھی عصر کی نماز پڑھی, کہتے ہیں راوی لکھتے ہیں جب اس نے کہا اصل سورج واپس ہوتا ہے, اس وقت اسے کہا مجھے صاحب آپ کو سامنے نظر تھے, دیکھ کر مجھے جگانے سے پہلے میرا حال ہی دیکھ لیتے, میں وہ اس کے پاس تھا جس کی تم نماز اسی بات کو پتہ لگا رہا اب تم کو یہ پتہ ہے بہت پاک کو پتہ لگا تھا بھارت کو اور مار کو پتہ لگا تھا, یہ بھی پتہ چل رہے تھے یہ پتہ بہت پار نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کا دیدار کھا لے پھر وہ نماز پڑھے اس میں کفر نہیں ڈالنا, اور کوئی سبق تھی لوگوں نے کہا حضور پاک نے اللہ کا دیدار کیا تھا وہ بھی نماز پڑھتے تھے, آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کا دیدار کیا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں, یہ کفر نہیں ڈالنا کیوں گا, بہت سے لوگ غائب ہوئے علماء کا فتویٰ فتویٰ کا فتویٰ دے دیا, جب دیکھا کہ کچھ لوگ نادانی میں کچھ جان بوجھ کے نکل گئے ان کا نقصان ہو رہا پھر واپس ہو رہا ہے, آپ کو اس کا اس کو رات ہو رہا, انہوں نے کہا کہ کچھ دیدار والے مقیر ہوتے ہیں کچھ دیدار والے مستفیر ہوتے ہیں کچھ دیدار والے منفرد ہوتے ہیں, جو جس نے رب کا دیدار کیا وہ مقیر ہے, اگر اس کو حکم ہے تو وہ شہر میں رہے مخلوق میں رہے نماز پڑھے, لوگ اس کی نماز کو دیکھیں گے رب کے طلب کو دیکھیں گے, لوگ اس کی نماز کو بڑے خوش کی طرح رجوع کریں گے, اس کے لیے تائب دنیا ہونا دوسرا مستفید ہے جس نے دیدار کی تعلیم والے کی لڑکی بھی ضرورت ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ دنیا میں رہے, دنیا کو خیال پتہ ہے
छोटी ज्यादा असर है। और तीसरा वो फर्ज है, उसके लिए हुक्म है, उसका दुनिया में रहना आराम है भाई, उसको फर्ज नहीं, ताकत नहीं है, बात करने की ताकत नहीं है। वो जंगल में जाए, जब भी नमाज का वक्त है उसको दे दिया पूरी नमाज, फिर उसको रतू से भी जरूर नहीं है, बस नमाज का वक्त है, बोलियों की नमाज तेरा शाही मेरा शाही, दो शाही, दो शाही। दुनिया पर है किसकी शाही, दो शाही, दो शाही। अब इसके लिए जब इंसान का दिल खाली होता है उसमें शैतान रह जाता है। आप बड़े बहुत बड़े आप आलम क्यों ना हो, माफ हो, अंदर शैतान का दिल खाली होता है। और यही वजह है कि जब सारे आलम है एक ही कुरान है तो फिर आपस में वो लड़ते क्यों, क्यों लड़ते हैं, एक ही कलमा एक ही कुरान है, एक इलम है उनके पास, एक ही मदरसे में पड़े हुए हैं, तो फिर क्यों लड़ते हैं। ये नहीं कहो सुनने वाले भी लड़ता है तो सुनी सुनी भी लड़ते हैं, वो अंदर शैतान के लोग बैठ जाता है, वो लड़ाता है। शैतान के दो काम है जिससे वो बहुत ही कुछ होता है, एक मियां बीवी को लगा देता है जिससे बड़ा खुश होता है, और दूसरा मौली को मौली से लगा देता है इससे भी बड़ा खुश होता है। लेकिन अगर आलम यकीन करो ये दो ही मखलूक हैं, आलम और ये औरतें ये फरिश्ता, अगर इनके दिल में असर न करा जाए तो ये तो फरिश्ते हैं ना, अपने घरों में रहकर क्या करती है, फिर भाभी होते हैं असर बहुत आ जाता है। अगर अल्लाह अल्लाह हो तो ये इस असर बहुत क्यों आए, और वह आलम मजदूर है रहते हैं बिल्कुल, तो कीमत क्यों आता है, वो दिल खाली है ना, क्योंकि दिलों में अगर अल्लाह अल्लाह हो तो ये आलम बाहर बन गया ना, और ये वो आलम बन गया ना जिनके लिए हजूर पाक ने फरमाया मेरे आलम बने श्री रबी मान, ये वो आलम है। और आज ऐसे आलम हम भी देखते हैं, सुल्तान में कामनी साहब थे, अल्लाह खान में मसूद साहब थे, कभी भी कई आलम इस किस्म के हैं, लेकिन जो इसके बगैर आलम है तो फिर वो लड़े लड़ाने वाले हैं। तो इसके लिए तो थोड़ा सा तरीका बता दूं, हो सकता है किसी के दिल में ये बात आ गई है, इसका तरीका ये है कि रोजाना 66 मरतबा सफेद कागज पर 40 घंटे के अल्लाह लिखा, आप थोड़े में लिखेंगे जो कागज पर लिखे थे वो आप नाकों में चाहना छोड़ देगा, आप उसे दिल से बताने की कोशिश करें, तो एक दिन आएगा जो कागज पर लिखे थे वो दिल पे लिखा नजर आएगा। पुलिस की मोहर लगी हुई है पुलिस वाला, अल्लाह लिखा है अल्लाह वाला, उस हफ्ते की दर्शन तेज हो जाएगी, टिक 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 उस टिक टिक के साथ अल्लाह हो जाए, टिक के साथ अल्लाह के साथ गली गली का कहेंगे तो बिल्कुल दर्शन अल्लाह उनके तस्वीर हो जाएगी। और आपको सुने जाए उंगली को कलम ख्याल करें, जिन लोगों को तस्वीर से अल्लाह लिखते हैं इसी में नींद आ रहे हैं, जो आप छोटे वक्त नियत होती है साल में नहीं पूछ सकता है, अल्लाह ऊपर के पर तस्व है और शाम में भी अल्लाह ऊपर से सुबह कारोबार के लिए जाते हैं जितने पति कहते हैं, जब तक दिल की धक्कन से मिल जाए उसको जितने पति कहते हैं, जब दिल की धक्कन से मिल जाता है उसको जितने खाली कहते हैं, फिर वो जितने कभी कह रहा था मुझे हो ही ना हो दिल का मुझे पानी छोड़ देता है, जब वो अल्लाह में नूर इस दिल में जाएगा उसको बोलते हैं मुझे काले शौक ना होगा, और वो मुझे घड़ी घड़ी नहीं तो जिंदगी में एक बार कर शाही मेरा शाही, दो शाही, दो शाही। दुनिया पर है किसकी शाही, दो शाही, दो शाही। अगर दिक्कत गर्व महसूस हो तो दूसरी पर और दूसरी इसको ठंडा करते हैं। अब जो बैग होते हैं इसका मकसद क्या है, जो पढ़े लिखे लोग भी होंगे समझेंगे, हमारे मुल्क में ज्यादा हंसी है, हंसी है, आपको नमाज रोजा आपस हंसी बना देगा सारे रोस लगे सब सारे तरीके सिखा देगा, तो फिर आप कश्ती या कार्य क्यों क्या नुकता है, नुकता ये है बगैर दिख के भी आप दाढ़ी रख सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, आप नमाज दिख के वो कौन सी चीज है जिससे आप अपने आप को देखते हैं, अपने आप को
चीज के लिए देते हैं ना जो आपके पास नहीं है, और है फिर वो बहुत अलग चीज है जिसके लिए आप देते हैं। तो हॉस्पिटल बिक जाना चाहिए, आपके पास में नहीं है, आप यहाँ सोते हैं उधर हजूर पा के चलो ना हो। आपके पास में नहीं है कि आप सोते रहे बस में नहीं है, आप यहाँ सोते हैं उधर हजूर पा के चलो ना हो। आपके पास में नहीं है कि आप सोते रहे आपका दिन अल्लाह करता है। अगर आप बिकते हैं इस काम के लिए बिकते हैं ना, अगर बिक कर भी आपको ये चीज हासिल नहीं हुई फिर आप बे नसीब, फिर आप बे नसीब है। ये जो चीज हासिल होती है ये वलियों से हासिल होती है, वली का कल अल्लाह से होता है। जब तुम्हारी नस्बत वली से होगी वली की नस्बत अल्लाह से खुद रिश्ता छू जाता है। अब जो वली का बेटा वो तो वली नहीं हो सकता, ये वरासत नहीं है ना। अगर वरासत होती तो नबूवत वरासत होती ना, हर नबी का बेटा नबी होता ना, हर नबी का बेटा नबी नहीं हो सकता तो वली का बेटा वली नहीं है। यहाँ से बात बिगड़ी है, वो वलियों के बेटे वली के आगे छोटे की वली रसम अदा हो रही है। जब रसम अदा हो रही है तो मिलना मिला तो उन लोगों से था जो वली थे, अब आगे वही से क्या नहीं, अब वो भी खाली और ये भी खाली, वो भी कम बात और ये भी कम यकीन करो। अगर कोई शख्स नबी नहीं है, अपने आप को नबी कहलाता है, काफिर हो जाता है, उसको मानने वाले भी काफिर हैं। अगर कोई वली नहीं है तो वली कहलाता है तो क्या होगा, तो बिल्कुल कुफर के नजदीक होगा। इससे बड़ा गुनाह दुनिया में कोई नहीं है। नबी को मानने वाले काफिर हो गए तो दूसरे वाले वली को मानने वाले दमबख्त होते हैं। और यकीन करो है क्या चीज अल्लाह के लिए, अल्लाह पूरे जिसम में जाता है और जिसम के अंदर भी चीजें जाती है ना, उनने उनको कुछ सिखाया नहीं है ना, तो वो चीजें बेकार हो गई ना, खत्म हो गई ना, तो वो सोलह मखलूकों का काफिर है। जिसमें बैठ करी वो सोलह मखलूकों का काफिर है, 1,000 मरीज है तो 16,000 मरीजों का काफिर है। बोले उस वक्त जब तक वली उस वक्त होते हैं वली अल्लाह अल्लाह का दोस्त, दोस्त को जब तक देखेंगे वो दोस्त नहीं होता। मैं जब से बात की है मैं आपको देखा हुआ तो वही बने हुए ये लोग सख्ते हैं, और जो अपने आप को वही समझता है उसके लिए जरूरी है कि वो अल्लाह को देखे और उसके बाद। अब रात वाले बैठे जाए जुबान में लोग तो ढूंढते हैं अल्लाह को, अल्लाह उन्हीं लोगों से मिलता है ना जिनमें से कुछ असलों को से मिले ना, मेटा से जाने लगा और लोगों को शराब की जरूरत नहीं है। इस तरह चोर को चोर का काम कर मस्त मलंग रहेंगे, तेरे संग रहेंगे, शैतान हमसे तंग रहेंगे, तेरे संग रहेंगे। अगर हीरे की कड़ाई है तो सबसे पहले चोर बन जाए, बिल्कुल फिर हीरे के लिए निकलना। तो जब भी मिलेगा असली मिलेगा ना, अगर तुम्हें अल्लाह की तलाश है तो सबसे पहले दिल भी कर दो अल्लाह में लगाओ। जब ये अल्लाह में लग जाएंगी तो ईमान चले जाना, वहां भी अल्लाह यहाँ भी अल्लाह, टकराएगा रिकट पैदा हो जाएगी, सब मजा हो तो वही अल्लाह डॉक्टर साहब चले जाना, वहां भी अल्लाह यहाँ भी अल्लाह, रिकट पेड़ हो जाएगा रिकट पैदा हो जाएगी। मुझे के पास चले जाना, अगर वहां भी ये चीज होती है उसके पास जाने से जिसका खेल हो जाता है जिसका पैदा हो जाती है, दोबारा भी कुमार मुझसे शाही 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 शाही। फिर तुम जैसे भी हो प्रभाव नहीं आपके राजी सारा वो जाने आप जाने हमें आपके हाथों में दे दिया, लेकिन बार बार उसके पास जाते हो बार बार जाते हो कुछ भी नहीं होता तो काम नहीं है ना, तो फिर वो नाटक है ना, तो फिर वो जिधर जाएगा और 16,000 मजदूरों के साथ दहशत में छोड़ दे जा ही नहीं सकता, वो जिधर वो जाएगा वो अपनी माँ को साथ देकर जाएगा। तुम फिर उसको मारो जिधर वो है ना, जिधर वो जाएगा तुमको घसीड़ी नहीं जाएगा ना, इससे कितनी मुश्किल तलाश में खोलते हैं इसरार इलाही, गौर शाही गौर शाही, दुनिया पर है किसकी शाही, गौर शाही गौर शाही। नाम को बैठ करते हैं ना, तुम तो नजराना तरफ करते हैं, एक रात की रात मेरा काम तुमने बुला दिया अल्लाह शुक्रिया।
ये जो लोग कहेंगे कि बगैर पैर के पैर नहीं होगा, कहते हैं सर, लेकिन अगर पैर है ऐसे मुस्लिम हुए तो पैर हो रहा है, ठीक है बगैर पैर के पैर नहीं होगा, लेकिन पैर शुरू हो गया तो कैसे मुस्लिम हो गया जी, बेशक सही। हम तुम्हारी उस लब तक हिफाजत करेंगे और जब तक तुम्हारा सुनो मनोवर फिर जब तुम रोशन जमीन पर जाओगे ना तो स्मृति आ जाएगी ना तो फिर एक से एक पड़ाव हुआ है ना जो तुमको बेहतर लगा वहां जाके पैदा बन के मस्त मलंग रहेंगे तेरे संग रहेंगे। जब कोई शख्स और अल्लाह अदा करता है आप किसी चीज को दिल में बसाओगे उससे मोहब्बत हो जाती है, जब तुम हर अल्लाह अदा करोगे तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो जाएगी। जो लोग मोहब्बत करते हैं वो मकारी है, मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत का तल्लुक इस जबान से नहीं है, मोहब्बत का तल्लुक इस दिल से है। जब दिल में अल्लाह अल्लाह आया अल्लाह से मोहब्बत हो गई, जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है अल्लाह ताला किसी का एहसान लेते ही नहीं है अपने मतलब, उसके लिए एक रुपया खर्च करो दस रुपये लुटा देगा, एक लेकिन करो दस लीटर में जवाब लुटा देगा, थोड़ी सी मोहब्बत करो दस गुना ज्यादा। और जब अल्लाह ने मोहब्बत कर ली तो फिर खतरा किसकी, इस वक्त कितने फिरके हैं इतने इस्लामी ममालिक है सारे कहते हैं मुसलमान मुसलमान जुबान से कहते हैं सारे मुसलमान हैं, सारे इस्लामी ममालिक है कि सारे मुसलमान हैं, अगर सारे मुसलमान होते हैं एक दूसरे को ताबूत क्यों कहते हो, वो जुबानों से मुसलमान है दिलों से मुसलमान नहीं है, जुबानों से एक है दिलों से एक नहीं है, जब इनके दिलों में अल्लाह अल्लाह पूछेगा तो फिर ये जुबानों से दिए दिलों से दिए, फिर गवारी उस वक्त खत्म होगी, इससे पहले डंडे से खत्म नहीं हो सकती। अब हुकूमत कहती है कि डंडे से खत्म करो, वो डंडे से शैतान कैसे निकलेगा, मुस्तानी अल्लाह अल्लाह के घर में लगाते हैं शैतान सताता उनको, तो एक दिन डंडा लेके उसके पीछे भागे आज इसको मारूंगा, आवाज आई ये डंडों से नहीं मरता अल्लाह के नूर से, यकीन करो ये कहने से शर्म आएगी तुम्हें, तुम्हें सुनने भी कहने से शर्म आएगी, कहोगे नहीं उम्मत थी तुम्हारा मैं बस उम्मत हूँ और कुछ नहीं, ये एक तरीका है अल्लाह और बंदे के दरमियान ये एक त्रिकोण है, तो फरमाता है आंखों से कोई काम का मुझे एतराज नहीं है, ग्रहण कर कसम कर मुझे क्या है, टांगों से दूर जा लाओ या पिछाओ या मुझे क्या है, और इस बात से मेरी बहन ने खा तक मुझे क्या एतराज है, आंखों से मखलूक करने जा रहा हूँ कानों से फोन एक चीज मेरे लिए छोड़ देना और छोटा सा दिल तूने उसको भी दुआ में लगा दिया और तेरा मेरा रिश्ते ये अल्लाह और बंदे के दरमियान देखते ये बेफूक पहले साफ करते हैं अल्लाह अल्लाह से साफ करते हैं, फिर जब ये साफ हो जाता है फिर अल्लाह अल्लाह के नूर से इसके नूर की लय आती है, एक मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है कोई तार नहीं है अमरीका बात करते हैं लेते हो वो लहरों को लेंगे, इसी तरह ये दिन मूल्य साफ हो जाता है वो लहरें नूर की आ जाती है, नूर का हेडक्वार्टर को रोक दो जिसकी तरफ बटन दबाया जिस वाली की तरफ से बातचीत हो, अब क्या हो जाए कि लोग घर में दुआएं मांगते हैं नहीं कबूल होती, बिगड़ाते हैं नहीं कबूल होती, तब वही मेरे पास जाते हैं ना कुरान को कबूल हो जाती है, अल्लाह तो वही है घर में था वही अल्लाह है ना, वहां को दूसरा अल्लाह तो नहीं है सिर्फ ये जो वहां तेरे वो नहीं है, वहां गिर गया सब कुछ किया उतरा उनका दीन का काम है दरबार खाले कुछ है पतन सब कुछ है सब वहां मंजूरी हो, वही के पास गया फिर गुणा ने बात करी और अल्लाह को ये जरूर हर आदमी के अंदर है, हर आदमी इसको चालू करा सकता है, हाँ उसके लिए
इबादत करनी पड़े, आपके लिए रियाजत करनी पड़े, आपके लिए खुले शाह ने फरमाया नचते याद में। नमाज पढ़ना इजाज़त नहीं है, हुक्म है कुरान, हुक्म है रोजे, हुक्म है उसकी इजाज़त का रूप है, लेकिन अल्लाह तक पढ़ने इसकी इजाज़त है। यार मानो इसकी भी कोई इजाज़त नहीं है, किताबों से देखने पड़े यार मानो से अगर आपके अंदर शिफ्ट आए रैन की शिफ्ट आएगी ना, तो क्या हुआ वो जानवरों पर डिपेंड करता है ना, उनके रैन चल दिए तो क्या उसके बाद याद नहीं हो तो शर्म से चले जाएंगे, उसकी जात को शर्म नहीं है यार, रातों से उसके रिस्क में इजाफा हो जाएगा ना, क्या इजाफा हुआ वो तो कीड़े को पत्थर में रिस्क देता है, तुमको दे दिया तो क्या जब उसका जाती जगह करेंगे अल्लाह का करेंगे अल्लाह की तरफ बोलेगा। यहाँ से जब अमेरिका जाने के लिए उनकी मंजूरी चाहिए तो क्या अल्लाह के जाने के लिए, जब किसी को जिक्र दिया जाता है उसके औलिया को फरिश्ते बेहतर मामूर बने जाते हैं, बेहतर मामूर की मखलूक से अल्लाह ताला हम काम होता दिखता नहीं है, लेकिन उनसे बात करते पूछता इसको कौन लाया, गांव से ये जिक्र मिला था मैं लाया, क्यों लाया, ऐ अल्लाह तेरा दोस्त बनाने के लिए, अब उसकी मर्जी नहीं है हमारे दोस्त भी चाहिए, गलती कोई हुई गलती हुई है, लेकिन अगर उसकी मर्जी हुई तो फिर कहेगा दोस्त को आजमाया जाता है, कल ये भाग ना जाए तो इसका दामन कौन है, फिर बहुत बहुत खुशी बनाया जाए, मैं इसको जानता हूँ मेरे नाम को जीता मर जाए, यहाँ अगर वो बहुत पाप को मरने वाला नहीं तो ज्यादा उसकी कौन होती है। अच्छा अब गौर कौन है, ये दो बजे दरबारों में जाता था आपको वही देख रहे हैं, अच्छा अब तस्दीक कौन करेगा, हजूर पाक तस्दीक जारी हो जाए, फिर वो कहता है मैं सो रहा था मेरे अंदर की अंदा ये है इजाजत, ये ऊपर की इजाजत है, अब नीचे को अल्लाह नहीं है वो ऊपर है ना, लेकिन अल्लाह ने नीचे अपने बंदे को ध्यान दिया है, यहाँ नीचे शैतान है, शैतान ऊपर तो नहीं है नीचे, जब शैतान को पता चल जाता है अब इसको ऊपर से इजाजत होगी, फिर उसकी मदाहत करता है, उसके पास जिन्नात खोते हैं हिंदू भी जिन्नात खो जाए, हुक्म भी देते हैं जाओ इसको बर्बाद करो सुबह करो कुछ भी करो, ये अल्लाह वाला इसके अंदर अपना लाए, अब इसको किसी और शुरू में लगा दो इस अल्लाह से कभी नहीं लगा, फिर यहाँ जिनको इजाजत हुई है उनके पास भी एक रहमानी फौज होती है, वो शैतानी फौज तुम पे टूट पड़ी, वो रहमानी फौज शैतानों पे टूट पड़ी, वो रहमानी फौज उस वक्त तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारे अंदर रहमान जा रही है, बंदा नहीं रहे बंदा नवाज ना हो, गरीब नहीं रहे गरीब नवाज, ये इजाजत है। अब अपना इलाका है, हो सकता है कुछ लोगों को कुछ और भी करने हैं, आगे आ जाए जिससे सवाल करना है वो आगे आ जाए, ये लाहौर से एक साथी आए हैं गैर मुस्लिम मुसलमान होना चाहते हैं, इनके लिए बाद में बात की जाएगी, अभी सिर्फ सवाल के लिए सरकार ने मौका अदा किया है, सरकार की जात से मुतालिक सरकार के अकीदे से मुतालिक रूहानियत से मुतालिक कोई साथ कोई सवाल करना चाहे तो स्टेज के करीब आ जाए या पर्चा लेके भेजें। आप लोग सिर्फ मुताले का सवाल करने वाला शख्स खड़ा हूँ, आप
تمام ساتھی سب سے دوسرے ہیں حضرت قسم بصری رحمت اللہ جی تیسرے ہیں غوث پاک چوتھے ہیں ان کے صاحبزادے عبدالرزاق صاحب جی پانچویں ہیں سری سلطان گو تو جس نے چھٹی کا راز کھول دیا وہ